Now we'll go to. Bye, my boy. Bye, my boy. छोड़ अबे छोड़ना ध्यान अपनी जिंदगी पे दे अबे छोड़ना कितनी है झंड सी You're looking good mate can you just do me a favor can you just whisper in MS's ear that I'm a better golfer than him please I'll do that after this ball Thank you come on you've got an opportunity now please tell him शाबाश दीपक भैया केविन पीटरसन बोल रहा है कि वो आपसे बेटर गोल्फर है He's still my first test wicket The first ball after lunch will be bowled by MS Dhoni कड़क बन मत बन तू ढोकला सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला बातचीत से बात कम सीधा पैसा रोक ला माय जर्सी नंबर इज 228 वंस माय हाईएस्ट स्कोर नाउ माय फेवरेट नंबर छत वाला नहीं काउंट है छत पे जो खेलते हैं माय क्वेश्चन टू यू इज How difficult is it to not give the ball to Harbhajan Singh, given he's a seasoned spinner? Like it happened in the last game. You know, I have a lot of cars and bikes in my house. and I don't write all at a time. पिक्चर में आ रहा हूँ पिक्चर दिखा दूंगा फट 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 कुल्फा करा दूंगा असली रहेगा तो दोस्ती बढ़ा दूंगा नकली बनेगा तो फटके ओ श्री उधर गर्लफ्रेंड नहीं है इधर आजा थोड़ा बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो Zahid Khan Every now and then he's just getting them in that right area तो इधर पुजारा को उसी के लिए रखा है उधर ताली बजाने के लिए नहीं है Right area. तो इधर पुजारा को उसी के लिए रखा है उधर ताली बजाने के लिए नहीं है घीरे डाल दे, छक्का खा के दिखा। मैं नहीं दिखाऊंगा वॉलीबॉल की तरह खड़ा हुआ है बीच में गजब बेइज्जती है नहीं होता क्या है ना कि हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो एक पर्टिकुलर जगह में हेलीकॉप्टर रुकता है अगर आप समुंदर में चले जाएंगे और सबमरीन के अंदर बोलेंगे यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगी यस यू नो दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरा जॉब है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ऑलवेज टेक इट but at the same time, you know, there will be times when I won't finish a job because, you know, बाकी भी खेलने ही आए ना ऐसा थोड़े कि मैं नीचे वहाँ बैटिंग करता हूँ तो मेरे पे वो टीका लगा हुआ है कि यार ये बैटिंग कर रहा है जीत गया ना इट डजेंट हैपन लाइक दैट यू नो आपको अगर कोई अच्छा यॉर्कर डाल रहा है तो अच्छा यॉर्कर डाल रहा है यॉर्कर को छक्का नहीं मार सकते कई बार लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर शॉट नहीं मारे मतलब बाउंसर को हेलीकॉप्टर शॉट आदमी कहाँ से मारेगा प्रश्न तो बहुत उठते हैं आप हमें रिक्विजिशन और लेटर लिख के देख लीजिए कि भाई आप इतने समय के बाद थैंक यू वेरी मच बोलिए और निकल जाइए साथ में रीजन भी देना जरूरी होगा ऐसा नहीं कि आपके पास अगर क्वेश्चन पूछने का फ्रीडम है तो ऐसा नहीं कि हर तरीके से सवाल पूछते रहे यू नो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो जज एवरीथिंग एज टू व्हाट नीड्स टू बी डन व्हाई इट नीड्स टू बी डन यू नो जस्ट बिकॉज समबडी हैज द प्लेटफॉर्म टू आस्क क्वेश्चन डजंट मीन यू कीप आस्किंग द सेम क्वेश्चन That's nasty. That definitely needs some medical investigation. It's 10% impact on the helmet. Are you keen to continue on playing after this tournament? Sorry? Are you keen to continue playing on after this tournament?
समझ में आया क्या? गुस्सा माई भाई को बहुत कम आता है और ऑन द फील्ड गुस्सा मैंने उनका तब देखा था, श्रीलंका से खेल रहे थे T20 इंदौर में, जिसमें रोहित भाई ने 100 बनाया था मुझे याद है, और कुशल परेरा बैटिंग कर रहा था, उसने एक कवर्स के ऊपर से चौका मारा, तो वो आके मेरे पास बोले कि वहीं से उन्होंने आवाज मारा कि कवर्स उधर करके पॉइंट इधर कर ले, तीन इधर रख ले, तो मैंने वो वाली बॉल सुनी नहीं मुझे समझ में नहीं आया वो उन्होंने क्या बोला, मैंने डाल दिया, उसने रिवर्स यूप पे चौका मार दिया। वो मेरे पास आया गुस्से से, उन्होंने बोला मैं पागल हूँ 300 वनडे खेला हूँ समझा रहा हूँ यहाँ पे तो मैं बिल्कुल डर गया था उस टाइम पे, मुझे बहुत डर गया था कि मैं भाई एकदम से क्या हो गया मुझे, ये कैसे डांट दिया तो उस टाइम में बहुत डर गया था। तो उसके बाद हमने मैच अच्छा मैच जीते, उसके बाद जब मैं बस में बैठा, माई भाई के बगल में गया मैं बैठा, मैंने पूछा माई भाई को गुस्सा कभी आता है क्या तो वो बोलते कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, अभी गुस्सा आया मुझे 20 साल हो गए कहता अब मुझे एक्सपीरियंस सब चीजों का हो गया है तो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, और जब कोई सुनता नहीं है तो वो गुस्सा नहीं है, मैं वो डांटता हूँ, अभी तुमने बेटा गुस्सा देखा नहीं मेरा।